दोस्तों, मैं बाल मुकुंद एके मुकुंद जीटी आप सबका पोकेमोन गो की नई वीडियो में फिर स्वागत करता हूँ। फाइनली मेरा मास्टर रिसर्च कंप्लीट हो गया है। बहुत बचा था मेरा 28 डेज में, ऑलमोस्ट मेरी स्ट्रिक ब्रेक होने वाली थी क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था अपने ऑफिस वर्क के लेके, जिसकी वजह से पूरा मेरा 28 डेज में मैंने गेम उस दिन यानी 28 डेज की जो अभी स्ट्रिक थी उस दिन मैंने गेम ही नहीं ओपन किया था। रात में सोने से पहले मैंने सडनली गेम ओपन किया और मैंने अपने बॉडी को फिट कर दिया। जैसे ही फिट किया पता लगा भाई 28 डेज की स्ट्रिक बच गई, वरना पूरा स्ट्रिक फिर से ब्रेक थी और फिर से मुझे 30 डेज के लिए करना पड़ता, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता तो और पकअप हो जाता। और काफ़ी लोगों की स्ट्रिक्स टूटी है 25 डेज 29 डेज, मैंने ट्विटर पे भी देखा था कई लोगों की स्ट्रिक टूटी है और मेरे फ्रेंड की दो बार स्ट्रिक टूट चुकी है 10-10 दिनों पे। तो फाइनली मैं बच गया। और एपेक्स लुगिया पकड़ने से पहले मुझे जियानी से बैटल करनी थी और जिसमें मुझे शेडो लुगिया मिला। अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग करना भूल गया, मैं लुहिया के पास था वहीं पे ही मुझे मिला बट मैं उसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गया। जैसे ही मुझे याद आया कि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी है, तो जब तक मैंने रिकॉर्डिंग करी तब तक रिकॉर्डिंग एकदम लास्ट मोमेंट जो कैप्चर हुआ था, यानी कि जब विंडो से मैंने बैटल उसको हरा दिया था, मैंने जो लेके गया था मैं दो पोकेमोन तो ऑलवेज हमको पता ही हो गए थे, जैसे कि फर्स्ट पर्सियन जो कि नॉर्मल टाइप आता है और लास्ट लुगिया आना था जो कि शेडो था, वो मैं डार्क टाइप ले गया था मेगा ऑब्जॉल्व। और सेकंड थर्ड जो सेकंड पोकेमोन है उसको करने की यानी कि उसके उससे बचने के लिए मैंने स्वैम्पट रख लिया था, जिससे काफ़ी इजी हो गया था। और इसकी आईवी बहुत अच्छी नहीं आई थी जो मैंने पकड़ा था, उसकी आईवी बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं कह सकते हैं, नॉर्मल आईवी थोड़ा सा अगर अच्छी हो जाती तो मज़ा आ जाता, मैंने सोचा था इसको प्यूरीफाई करूँगा बट जो इसकी आईवी थी मेरे ख्याल से 10-15-15 ये आईवी मुझे मिली थी, तो ठीक ठाक था। और अब फाइनली और एक एग हैच करने को ले जाया गया था जो कि मैं 24 आवर्स में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपना मास्टर रिसर्च कंप्लीट करते हैं और मास्टर रिसर्च कंप्लीट करने के लिए चलिए हम लोग फटाक से अपना लास्ट रिवॉर्ड कंप्लीट ये किया एंड ओके एक्सेप्ट 3000 स्टार्डस 3000 एक्सपी एंड काउंटर। और ये आ गया लुगिया एपेक्स लुगिया 1549 आईवी सीपी तो अच्छी है बट आईवी के क्या है मुझे अभी देखते हैं आईवी इसकी क्या है। चलिए हम लोग पकड़ते हैं इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले एंड चलिए इसको हम लोग पकड़ते हैं। मैं इसको बैजी दे देता हूँ, ठीक है मिस Great, great throw and let's go। आ जाना कैच हो जाए, ओ नहीं आया, फिर से सिल्वर पाइनअप एंड ओ बड़ी हेल्प, नाइस थ्रो, बड़ी हेल्प से हमने नाइस थ्रो मार दिया है एंड भी नहीं आया, फिर से ब्रेक फ्री, वन मोर आपकी गोल्डन देते हैं, ठीक है एंड थ्रो वेस्ट मिस, या कितना मिस होगा, ओ फिर से मिस हो गया, अरे यार क्या हो रहा है एंड बर्बाद थ्रो, ओ क्रिटिकल कैच नाइस गॉटचा लुगिया वॉज कैच्ड, 3 XL कैंडीज मिल गई बढ़िया है एंड लेट्स एरो ब्लास्ट प्लस अटैक आई वी चेक करते हैं 12, 14, 11 डिसेंट आई वी है कुछ खास नहीं है, चलिए ठीक है आई वी भी ठीक है कोई इशू नहीं है, इसको प्योरीफाई नहीं करेंगे हम, सोचा था प्योरीफाई करने का बट मैं प्योरीफाई नहीं करूँगा। हाँ मेरे पास एक शेडो वो हो है
जो जिसको मैं अगर प्यूरीफाई करूँगा तो हंडू हो जाएगा। तो एपेक्स का ये हमारा एक कंप्लीट, तो उसको मैं देखूंगा कि उसको करूँ या ना करूँ, तो मैं बाद में देखूंगा उसको। मैं सोच रहा हूँ प्यूरीफाई कर लूँ, क्योंकि मेरे पास वो 100 नहीं है। और चलिए इसके भी बाकी रिवॉर्ड्स भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, कलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपी हो गया, अब 5000 एक्सपी और 5000 स्टारडस्ट, 20 कैंडीज लू गया, दैट्स गुड, कंप्लीट। ये हो गया एंड बैटल मुझे करनी है, मैं बैटल्स नहीं कर रहा हूँ। नॉट शाइनी, ओके, फ्लेचलिंग नॉट शाइनी एंड और कौन है शाइनी वाला, कोई नहीं है। चलो ये वीडियो था एपेक्स, और इसके एपेक्स की और एपेक्स शेडो हो ओ और एपेक्स शेडो लुगिया, इन दोनों की एआर पिक्स आपको मेरे और लखनऊ कम्युनिटी के इंस्टा पेज पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप मुझे और पोकेमॉन गो लखनऊ कम्युनिटी और साथ में पोकेमॉन गो ऑफिशियल पेज को, इंडिया ऑफिशियल पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और देखते रहिए मुकुंद जी टी। बाय बाय।